अगर आपके ख़ानदान में कोई नफसियाती मरीज़ है, आप उसको केयर नहीं कर सकते, अगर आप साइकेट्रिक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आपको पेशेंट की साइकेट्रिक केयर के हवाले से मसला आ रहा है, तो ये आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। मैंने इसमें तफसील से बताया हुआ है कि नफसियाती मरीज़ों का ख्याल कैसे किया जा सकता है, उनको ख़तरनाक जो सिचुएशंस होती हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हलीम है, मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आजकल मैं साइकियर हॉस्पिटल जौहर टाउन और ब्राइटवे क्लिनिक सुल्तान टाउन में प्रैक्टिस करता हूँ। ये वीडियो मैं स्पेशली उन फैमिलीज़ के लिए बना रहा हूँ, उन डॉक्टर्स के लिए या उन स्टाफ के लिए बना रहा हूँ जिनका ताल्लुक साइकियाट्रिक पेशेंट के साथ होता है, या किसी न किसी तरीके से वो उनको देख रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं या उनका ख्याल कर रहे होते हैं। साइकेट्रिक पेशेंट्स के मामले में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी हैं, क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उनको ख़तरा होता है साइकेट्रिक पेशेंट को, क्या कभी कभी अपने आप को नुकसान पहुंचाने की तरफ चले जाते हैं, ख़ुदकुशी के ख्याल आते हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ ख़ुदकुशी के ख्याल आ रहे हों या अटैम्प्ट कर रहे हों, तो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि वो दोबारा कर सकते हैं। अगर वो ख्याल आते हैं, बार बार करते हैं इस तरह का अमल या कहते हैं, तो वो कर भी सकते हैं। सो ऐसे पेशेंट को हमेशा एक तो कंसल्टेशन में रखें, कंसल्टेंट के साथ जो बड़ा डॉक्टर है उसके साथ कंसल्टेशन में रखें, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करें जो वजूहात हैं उस चीज़ की, ताकि वो वजूहात ठीक हों, उनके प्रॉब्लम्स ठीक हों, और उनके ऊपर नज़र रखें, सुपरवाइज़ करें ऑल द टाइम कि कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, और अकेले कमरे में जा तो नहीं रहे, कोई इस तरह का अमल तो नहीं कर रहे, कोई हथियार तो नहीं है इनके पास, कोई अद्वियात तो नहीं है जिससे अपने आप को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, या खाना पीना अपना प्रॉपर सही ले रहे हैं नहीं ले रहे, उसमें कमी तो नहीं है। तो ये चीज़ों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। जब पेशेंट सुसाइडल होता है या स्टाफ का अमला है, अगर पेशेंट देख रहे हैं कि सुसाइडल है, तो दे हैव टू बी केयरफुल। डॉक्टर को भी केयरफुल होना ज़रूरी होता है, स्टाफ को भी केयरफुल होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जान जा सकती है ऐसे पेशेंट की, जान बहुत ज़्यादा कीमती है। सो ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन यू नो के पेशेंट सुसाइडल है, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ पेशेंट्स औरों को नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, गुस्से में आते हैं, तैश में आते हैं, और अब कोई चीज़ पकड़ के किसी को मार देते हैं। तो ऐसे पेशेंट के साथ बहस ना करें, ज़िद ना करें उनके साथ, उनकी बात सुने, डिस्कस करें, और उनके पास कोई ऐसी चीज़ ना रखें जिससे वो किसी और को या आपको नुकसान पहुंचा दें। सो नुकसान वाली चीज़ें उनसे दूर रखनी हैं, छुरी जैसे लकड़ी या ऐसी चीज़ जिससे वो आपको पकड़ के मार सकते हैं, या अपने आप को या किसी को मार सकते हैं, या तोड़ फोड़ कर सकते हैं, दूर रखें, और साथ में उनका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो दें, प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ रहें। अगर आपके बहस मुबहसा हो जाता है, तो बहस उनके साथ आप ना करें, डिस्कस ना करें, डिबेट ना करें, उनको ज़िद ना उनके साथ ना करें। अगर ज़िद करेंगे तो वो गुस्से में आ जाएंगे, आपको या किसी और को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो घर से भी निकल सकते हैं, उनको पता नहीं होता, इन्वायरमेंट का पता नहीं होता, जैसे ओल्ड पेशेंट हैं, जैसे डिमेंशिया वाले मरीज़, उनको पता नहीं होता, वो घर से भी निकल सकते हैं, भाग सकते हैं, उनको फिर रास्ते का नहीं पता होता, रास्ता नहीं देखते, उनको एक्सीडेंट भी हो सकता है, एक्सीडेंटल इंजरीज भी हो सकती हैं, जैसे किसी चीज़ के ऊपर गिर गए तो उनको उससे भी नुकसान हो सकता है, या वॉशरूम में गिर गए तो उनको वहाँ पर नुकसान हो सकता है। कोई ऐसा मरीज़ जो अपनी केयर नहीं कर सकता, ख्याल नहीं करता, जैसे डिमेंशिया वाले मरीज़ होते हैं, या बहुत सीवियर साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं जो अपनी केयर नहीं कर सकते, ऐसे पेशेंट्स की केयर आप लोगों ने करनी है, फैमिली ने करनी है, स्टाफ जो मेंबर है उन्होंने करना है, क्योंकि वो अपनी खाने पीने का भी ख्याल नहीं करते, खाने पीने का ख्याल ना करने की वजह से वो उनको नुकसान हो सकता है, उनकी नमकियात की कमी हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है, उनको फिर दिल के मसाइल और इन्फेक्शन हो सकते हैं। सो उनके खाने पीने का ख्याल, उनकी सेफ्टी का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, कि निकल ना जाएं कहीं या कोई ऐसी चीज़ ना कर लें जिससे वो नुकसान हो। खाना पीना उनका प्रॉपर होना चाहिए, अगर वाशरूम का ख्याल नहीं कर सकते तो कोई बंदा उनके साथ रहे, स्टे करे और वाशरूम को करवाए, और ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो लेटे रहते हैं और खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते, और उनको प्रॉब्लम होते हैं, तो ऐसे पेशेंट को अगर खाना खिलाना हो तो बिठा के खाना खिलाएं,
अगर रिटर्न ना हो, अगर दवाई ले रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो मेडिसिन से कुछ मसाइल आते हैं, जैसे मुंह में ज़्यादा पानी आता है हमारे साइकोटिक पेशेंट्स के, तो उनको साइड में लेटाना होता है, नीचे सीधा नहीं लेटाना होता, और कोई भी खिलाना पिलाना होता है तो बिठा के खिलाना होता है, ताकि उनकी सांस वाली नाली में वो पानी या खाना ना चला जाए, उनको कोई मसला ना हो। तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं, ऐसे पेशेंट्स, उनको हर हिसाब से आपने ख्याल करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ऐसा, जैसे आजकल सर्दियां हैं, सर्दी की वजह से वो कंबल नहीं ओढ़ पाते, अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते, या वॉशरूम में गिर जाते हैं, तो उसकी वजह से वो हाइपोथर्मिया उनको हो जाता है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, उसकी वजह से उनको ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है हेल्थ की। सो यू हैव टू बी केयरफुल। अगर ऐसा कोई साइकेट्रिक पेशेंट है जो अपनी गर्मी सर्दी का ख्याल नहीं कर पा रहा, अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहा, अपने खाने पीने का ख्याल नहीं कर पा रहा, तो आपने केयरफुल रहना है, ख्याल करना है, ताकि उनको कोई मसला ना हो। कुछ पेशेंट्स को पता नहीं चलता, अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर देते हैं, जैसे अपनी जहनी कैफियत नहीं होती, जैसे मैनिया वाले मरीज़ जो है लोगों के साथ डील करते हैं, वो प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं, ऐसी महंगी महंगी चीज़ें लेते हैं जो जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, लाखों रुपये की चीज़ें लेते हैं, वो भी नुकसान है एक। तो ऐसे पेशेंट का उनको अलो नहीं किया जाए, उनकी प्रॉपर्टी, उनको चेक बुक्स या उनको ATM कार्ड ना दिए जाएँ, क्योंकि अगर आप ATM कार्ड देंगे या चेकबुक देंगे तो वो नुकसान करेंगे। यू हैव टू बी केयरफुल कि कोई पेशेंट है ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, तो उनके हवाले कोई प्रॉपर्टी भी ना करें, उनका ख्याल करें, उनका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स रफ़ ड्राइविंग करते हैं, बहुत तेज़ ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि इनकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं होती, तो वो बहुत रफ़ ड्राइविंग की जिससे इनके एक्सीडेंट्स होते हैं, या ड्राइविंग करते हैं इनको नींद आ रही होती है, क्योंकि अद्वियात ले रहे होते हैं, मेडिसिन पेशेंट ले रहे होते हैं, इनको नींद इतनी आ रही होती है कि वो ड्राइव नहीं कर सकते, फोकस नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर किसी को मेडिसिन चल रही है आराम की, तो उनको ड्राइव करने ना दें, या जहनी मसला चल रहा है तो उनको आप ड्राइव करने ना दें, ज़्यादा शदीद जहनी मसला जिसमें इनको पता नहीं चल रहा है इर्द गिर्द का माहौल का, तो उनको अकेले भी ना जाने दें बाहर, और साथ में ड्राइव भी ना करने दें, और उनका ऑल द टाइम ख्याल रखें, क्योंकि जहनी मरीज़ जो ज़्यादा होते हैं, शदीद जहनी मरीज़, तो उनको अपनी सोसाइटी का इर्द गिर्द पता नहीं होता, पुअर इंसाइट होती है, उनको चीज़ों का पता नहीं होता, तो उनको फैमिली मेम्बर्स को उनको उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स होंगे, जान जा सकती है, कीमती जानें हैं वो जाती हैं, अमूमन लोग हमारे पास आते हैं लेकिन ख्याल नहीं करते। कुछ लोग जो ड्रग्स वाले होते हैं, एडिक्शन वाले, वो ओवरडोज़ कर लेते हैं, ओवरडोज़ से भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो पेशेंट्स को बार बार ऐसे, अगर फैमिली मेम्बर में आपके ड्रग्स ले रहे हैं रेगुलरली, तो उनको बार बार बताएं कि ओवरडोज से, जिस तरह इंजेक्शन लगाते हैं, उससे भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है कभी कभी, कि वो उनका सांस का मसला होता है और ख़तरे वाली सिचुएशन होती है, तो दे यू हैव टू बी केयर। उनको बार बार बताया जाए कि जी ये ख़तरे वाली चीज़ है, अगर ओवरडोज आप करेंगे, स्पेशली अगर आपने नशा छोड़ दिया कुछ दिन आप गए हुए हैं, तो उसके बाद दोबारा नशा शुरू करते हैं, दोबारा नशा करने से अगर उसी मकदार में करते हैं, तो उस मकदार में करने से फिर ख़तरनाक सिचुएशन पैदा होती है, प्रॉब्लम हो जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है। तो उनको केयरफुल रखें, अगर ऐसी चीज़ है तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करें, एहतियात करें। अगर आप लोगों को साइकेट्रिक केयर के हवाले से कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।